अपनी माँ को लेना इसके अंदर डाल रहे हैं अपने। देखो माँ अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं बबलू सोलकर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बबलू सोलकर फिशिंग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग माकुल फिशिंग के लिए आए हैं, स्क्विड फिशिंग के लिए आए हैं। समंदर काफ़ी गर्म है तो हम लोग ने थोड़ा पास में ही रुके हैं, रॉक्स के थोड़ा करीब है हम लोग, क्योंकि रॉक्स के पास में ही आप लोग माकुल मिल रही है। तो अभी अंधेरा होने का वेट करेंगे हम लोग, फिर उसकी फ़िशिंग स्टार्ट करेंगे। तो पहली बार हम लोग के साथ स्क्विड फिशिंग के लिए राहित भी आया है, तो देखिए राहित राहित को पूछते हैं कि समंदर में उसको कैसा लग रहा है। राहित भाई, सो सबसे पहले तो समंदर का एडवेंचर करना मतलब बहुत लोगों का ड्रीम होता है, और आज मैं तुम लोगों के साथ में आया स्क्विड के लिए, माकुल के लिए आया, तो काफ़ी बड़ी बात है मेरे लिए। क्योंकि ये जो स्क्विड फिशिंग है ना, इसमें पूरा रात भर हमें वेट करना पड़ता है और दिन में हमें वापस अपने गांव जाना होता है। तो देखते हैं, इंशाल्लाह अंधेरा होने का वेट करेंगे, देखते हैं हमें आज मिलता है या नहीं। इंशाल्लाह बस अल्लाह से उम्मीद यही है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो माकुल मिले, बस यही उम्मीद है। और आज हम लोग सब यंग ही है यहाँ पर, जैसे कि अशरफ भाई है, वासिफ भाई है, बबलू है और मैं, हम लोग चारों यहाँ पर आए फिशिंग के लिए। देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है क्या नहीं होता है, तो देखते हैं इंशाल्लाह अपना नसीब क्या बोलता है। तो अभी लाइट चालू कर दी हम लोग ने, अभी माकुल फिशिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये माकुल का हुक है, इसकी एक खास बात है कि ये पानी के अंदर जाने के बाद चमकता है और माकुल को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो अभी मैं हुक डालता हूँ, इसको टाइम टाइम से एक्शन देना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर गला ला हूँ और राहित वहाँ पर है, देखते हैं इंशाल्लाह किसके नसीब में पहली है। माशाल्लाह पहली माकुल मैं निकाला, पहली स्क्वाड माकुल पहली मेरी तरफ से, बिस्मिल्लाह हो गई। इंशाल्लाह आगे देखते हैं और किसको मिलती है। गेर लेता हम लोग की पांचवी माकुल यहाँ पर वासिफ भाई ने निकाले है। ये चार ब्रेक और पानी के अंदर, माशाल्लाह राहित ने भी अपनी पहली माकुल पहला स्पीड निकाल लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भाग ले रहे हैं हम लोग को दो तीन माकुल आके गए हैं, तो अभी हम लोग उसको भागेंगे, कास्ट नेट करेंगे इसको। एक भाई का दूसरे भाई को सपोर्ट, एक भाई शूट कर रहा है तो एक भाई वहाँ पर भाग लेंगे। थोड़ा यहाँ पर कास्ट नेट से हम लोग को माकुल भागने वाले हैं, सो बबलू भागता है, देखते हैं इंशाल्लाह भागने की कोशिश भी आप लोगों को निकालने को, ज़्यादा माकुल हो तो भाग लेंगे, बाकी अगर एक दो एक दो आ रहे तो उसे निकालते हैं। हो गया भाग लेंगे, बहुत ज़्यादा माकुल है। तो जो हम लोग ने पहला पाक पाके तो उसमें हम लोग को बस मच्छी मिली थी, ये मच्छी है, तारली मच्छी, उसमें भला भी है किधर किधर, और ये अभी तक हम लोग की जमी हुई माकुल। रात के एक मिला के कुछ 20 या 25 माकुल हुए रहेंगे हम लोग के। तो रात को मुझे वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला क्योंकि मैं भागने वाला अकेला ही था, तो मुझे भागना पड़ा माकुल को। उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, उसके बाद हम लोग ने ट्रॉलिंग किए के एक दो पूरे से लिया हूँ, तो मैं बस आपको नहीं बता पाऊँगा।
मीनू को भी मिला है और वासिफ भाई को भी मिला है शायद, देखते क्या है। मछली मिली वो मैं आपको फिर बताऊंगा। तो अभी हम लोग को ये मच्छी मिली है, एक होकर है, एक चर्चा है, मतलब ट्रैवल ली है अपने, और ये ब्लैक क्रीम पे और माकुल है, वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो आइए मेरे साथ। इतनी सारी माकुल हम लोग को मिली है, इतनी माकुल है ना, इसके अंदर डाल रहे अपने दोनों ये पीस देखो। तो फ्रेंड्स राहित भी था मेरे साथ और उसके साथ भी एक्सपीरियंस करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी हम लोग को, रात में बहुत बारिश हो रही थी उसकी वजह से। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी वो प्लीज मेरे को कमेंट करके बताइए और प्लीज मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। तो बबलू सोलकर है ना, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, तो बबलू के चैनल को ना सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैंने देखी इसकी मेहनत, पूरे रात पर अकेला भाग रहा था। हार्डली मेरे को लगता है एक आध घंटा आराम किया रहेगा, वो भी माकुल नहीं थी इसलिए, मतलब पायराव कम था, उगनी में पायराव बोलते। सो काफी मेहनत किया है, चाहे हो रॉड की रॉड हो, चाहे वो हैंडलाइन हो, चाहे वो माकुल की फिशिंग हो, बहुत ज्यादा मेहनत किया बबलू ने। सो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो। सो मैं अपने अंदाज में ये वीडियो एंड करूंगा। क्या बोलते फिर, खुदा हाफिज, मिलते हैं वापस अगली वीडियो में। लव यू ऑल, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।